अड़गरनाथ गौशाला झिरिया सुहागी में पशुओं की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आपको बताते चले कि अड़गरनाथ गौशाला झिरिया सुहागी को जो कमांडो अरुण गौतम की देखरेख में संचालित होती रही है, उनके जेल जाने के बाद भी व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती पाई गई है। पशुओं की व्यवस्था ठीक है, जिसमें मौके पर संवाददाता ने यह देखा कि वहां पर मौजूद कर्मचारी पशुओं को बीट और साफ सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। गौशाले में भूसे का भंडार लगा हुआ है, बिजली के बल्ब कुछ फ्यूज मिले हैं। आइए आपको सुनाते हैं वहां पर उपस्थित कर्मचारियों की जुबानी। मैं अड़गरनाथ सुहागी झिरिया गौशाला में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे सामने आप देख रहे हैं कि दो लेडीज वर्कर हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने जानवर रहते हैं और भूसा की व्यवस्था है, जानवरों की बेड़ने की व्यवस्था है, क्या दिक्कत है, ये तो इन्हीं से पूछने पर पता चलेगा। क्या नाम है आपका? संजू। संजू, ये बताइए कि आप यहाँ गौशाला में क्या करती हैं? साफ सफाई करती हूँ। साफ सफाई करती हो, और कितने जानवर रहते हैं यहाँ पे? यहाँ 150-200 गाय आ जाती है। 150-200 भूसा है यहाँ पे? जी हाँ। अच्छा, और ये बताइए किसी प्रकार की जानवरों को कोई दिक्कत तो नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं। सुबह कई बजे जानवर छूट जाते हैं? 9 बजे। और आपके अब आप यहाँ आई हैं गौशाला में काहे, किस लिए आई हैं? साफ सफाई करने के लिए। तुम्हारा क्या नाम है बेटू? साधना। साधना, ये बताइए कि यहाँ पर गौशाला में जो जानवर रहते हैं उनको चारा भूसा मिलता है? सब मिलता है। भूसा यहाँ पर डैम्प है? हाँ। और अधिकारी कभी आते हैं यहाँ पर देखने के लिए? कभी आते हैं। हाँ, आते हैं। कभी कभार आते हैं। अच्छा, ये बताइए आप लोगों का जो मानदेय है वो तनख्वाह अगर कुछ समय से मिल जाती है? नहीं मिलती है। नहीं मिलती है, कितने दिन से नहीं मिली है? जब से काम कर रहे हैं 2-3 महीने। 2-3 महीने। यहाँ पर काम आप करती हो कि आपकी मम्मी या पिता कौन करता है? मम्मी हमारी है। मम्मी का क्या नाम है? मम्मी का उर्मिला। उर्मिला, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है? लगभग कितने जानवर रहते हैं यहाँ पे? 100-200 के आसपास बने रहते हैं ना। और जानवर कई बजे छूट जाता है? 9 बजे छूट जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई अभियान का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर जो गौशाला में लोग लगे हुए हैं उसकी साफ सफाई कर रहे हैं, जो जानवरों की वेस्ट है उसको साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं जब इनसे जानना चाहा कि यहाँ पर कितने जानवर मौजूद रहते हैं, आप इस वीडियो चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना ग्राउंड बिल्कुल फ्रेश अवस्था में दिखाई दे रहा है। और ये झिरिया गौशाला है जो अड़गरनाथ गौशाला के नाम से जाना जाता है। गौशाला सेट में क्लीन सी व्यवस्था है। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि यहाँ के लोग जो कार्य कर रहे हैं उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है। मानदेय कब तक मिलेगा? काम ये अपना करते जा रहे हैं। दिनेश द्विवेदी की स्पेशल रिपोर्ट। कर्मचारियों द्वारा यह भी बताया गया कि 2-3 माह से वेतन भी नहीं मिला है। जब से कमांडो अरुण गौतम जेल गए हैं तब से कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान भी नहीं हुआ है, किंतु बड़ी लगन और निष्ठा के साथ कर्मचारी कार्य करते देखे गए हैं। 125 से लेकर 150 के आसपास प्रतिदिन गौशाला में रखे जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि अड़गरनाथ गौशाला जैसी व्यवस्था अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं है। ऐसी व्यवस्था का संचालन कार्य बहुत ही सराहनीय रहा। ब्यूरो रिपोर्ट द खबरदार।